देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मपुरी जनपद पंचायत के ग्राम सुंदरेल में पशु मेले में अनियमितता का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। 6 महीने बाद 15 पंच अपनी शिकायत को लेकर एक बार फिर मैदान में हैं। अब की बार पंचों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के दूसरे दिन यानी बुधवार को जनपद सीईओ महेंद्र सिंह मांगेरिया उनसे मिलने पहुंचे। 22 सितंबर को ग्राम सभा आयोजित करने का आश्वासन भी दिया, हालांकि पंच जांच की मांग को लेकर अड़े नजर आए। आंदोलन पर बैठे पंच धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया कि पशु मेले का मामला विगत 6 माह पुराना है। मेले में अनियमितता की जा रही है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को भी की गई थी। जांच दल आया भी था, हमारे तथ्य भी सही पाए गए थे, किंतु कानून कार्रवाई का अभाव रहा। जनपद अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जब तक मामले की जांच नहीं होती, अब हमारी बात से नहीं हटेंगे। अधिकारी ने हमें ग्राम सभा के माध्यम से बैठक करके पशु बाजार को लेकर नई नीति बनाने की बात कही है। निगरानी के लिए अधिकारियों को तैनात करने और उनके वसूली के आधार पर आगामी कार्रवाई की बात कही। इधर मौजूद सरकार पर जनपद अधिकारी महेंद्र सिंह मांगेरिया ने बताया कि ग्राम सभा के तहत पशु मेले हेतु फैसले लिए जाएंगे। पशु मेला संबंधित मामला सामने आया है। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। सर, आज सुंदरेल ग्राम पंचायत में आप आए हैं, भूख हड़ताल चल रही है, क्या निर्णय निकला? ये इसमें उन्होंने पशु मेला पे कुछ विषय को लेकर, इशू को लेकर के उनका है वही है, उसको लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैंने आज उनसे चर्चा की है और उनको सुझाव दिया है कि ग्राम पंचायत में चाहे विकास की बात हो या विकास की निधि हो, उसको प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रारूप में ही काम करें और एक विशाल ग्राम सभा ऐसा एक्ट के तहत की जाती है, उसको हम आयोजित कराए देते हैं। डेट भी आज क्लियर कर दिया है, 22 सितंबर को हम ग्राम सभा आयोजित कराने जाएंगे। उसमें जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उसी के तहत हम कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि पंचों को भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, उसके बाद ही प्रशासन ज्यादा, क्योंकि ये कई समय से इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे परंतु उदासीनता देखी गई प्रशासन द्वारा? भ्रष्टाचार का वैसे तो कोई सीधा इशू अभी हमें सामने नहीं आया है, किंतु एक प्रकरण जो विचाराधीन है वो है कोर्ट में, न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में इनका मुख्य इशू पशु मेले को लेकर के है, भ्रष्टाचार को नहीं है, पशु मेले को लेकर के है, जिसमें हम पारदर्शिता से काम करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। ग्राम सभा को उसमें हम प्रमुखता से माध्यम से काम करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र कुमार घनघोरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धर्मपुर। आप आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या विषय है और जो अधिकारी आए थे वो क्या आश्वासन देते हैं? भूख हड़ताल पर बैठने का कारण पिछले 6 महीने से हमारी सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिन्होंने पशु हाट बाजार में कई बार भ्रष्टाचार, नकली कट्टे चलाना, पैसे निकालना, बिना चिट्ठियों की गाड़ियाँ भेजना, 300 की चिट्ठी के 350 लेना, सील लगाने के अलग से 50 रुपये लेना, कुल मिला के 300 की चिट्ठी के 400 रुपये लेना, और इसके सबूत भी हमने दिए हैं। जब जांच दल आया, जांच दल गठित हुआ, जांच दल आया, उन्होंने जब जांच की तो सारे सबूत हमारे सही पाए और आज भी हमारे पास सबूत मौजूद है। फिर भ्रष्टाचार जोरों से आज, इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आज तक सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं, क्या पंचायत सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कारण रहा कि पंचों को आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, जबकि आपके स्वयं की पंचायत है, आप स्वयं पंच हैं? हमारी स्वयं की पंचायत है, पंच भी 20 में से 15 पंच विरोध कर रहे हैं, ये लोग इनके भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठने का सबसे बड़ा कारण क्या ये माने कि प्रशासन या विभाग जो है वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जब सब कुछ साबित हो गया है, चोरों के ऊपर कार्रवाई, सब कुछ साबित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, अब आप क्या चाहते हैं? बार बार तारीखें लगा रहे हैं और प्रशासन उदासीन, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द। क्या आश्वासन मिला अभी? अभी सर ने बोला है ग्राम सभा के तहत उसको बाजार को जैसा भी आप निर्णय लो उसको यहाँ से तो कम से कम दिशा बदल दी जाए, और जो भ्रष्टाचार हुआ है हमको उसको राशि कम से कम कितनी है उसके लिए सर ने ये बोला है कि हम 4 अधिकारी आपके समक्ष भेजेंगे, उनके थ्रू यहाँ बाजार में निगरानी रखी जाएगी और जो वसूली होगी हम उसको आधार बनाए। आपका नाम? धर्मेंद्र पाटीदार, पंच वार्ड क्रमांक 4, ग्राम पंचायत सुंदरेल।